आज इस वीडियो आपके लेकर आए टॉप 10 इनक्रेडिबल शॉकिंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स अबाउट शी-हल्क एटर्नी लॉ सीरीज। लाइक कि आपको पता है कि शी-हल्क एपिसोड 9 का जो ओपनिंग सीन था तो एक्चुअली में नोर था द इनक्रेडिबल हल्क टीवी सीरीज को। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस ओपनिंग सीन में शैविश शी-हल्क का रोल एक आदमी ने प्ले किया था। यस, इस रोल को डेविन लेविश ने प्ले किया है, जिसकी बिहाइंड द सीन फोटोज को इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि 70s को ध्यान में रखते हुए शैविश शी-हल्क को और भी ज्यादा एंग्रियर एंड स्कैरियर लुक दी जा सके। और इसके साथ ही आपको पता चलेगा कि इस शो में शी-हल्क की सीजीआई ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ता था। और टाइटेनिया मसलानी से पहले कौन कौन सी एक्ट्रेसेस को जेनिफर वॉल्टर्स के रोल के लिए कंसीडर किया गया था। सो लेट्स मूव ऑन विद फैक्ट नंबर 2। वेल, ओरिजिनली कॉमिक्स से भी पहले शी-हल्क के कैरेक्टर को द इनक्रेडिबल हल्क टीवी सीरीज में इंट्रोड्यूस किया जाता, जिस दौरान इस कैरेक्टर के ऊपर एक पूरी स्टोरी लिखी जा चुकी थी, जिसके बाद 1989 में इसकी सोलो सीरीज को भी लाया जाता। बट द इनक्रेडिबल हल्क टीवी सीरीज के कैंसिल हो जाने के बाद ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद मार्वल ने 1980 में शी-हल्क को द सेवेज शी-हल्क कॉमिक बुक के नाम से इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट शो वाली स्टोरी को ही फॉलो किया था। नंबर 3, शी-हल्क एपिसोड 1 के पोस्ट क्रेडिट्स में जेन एंड ब्रूस एक बहुत ही वियर्ड टॉपिक स्टीव रोजर्स की वर्जिनिटी को लेकर बात कर रहे होते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ किया भी है या फिर उसकी पूरी लाइफ ऐसे ही सूखे में ही कट गई है। वेल, एक्चुअल में स्टीव रोजर्स की सेक्स लाइफ का ये टॉपिक खुद इस शो के राइटर्स का ही आइडिया था, जो कि खुद भी बहुत ही बड़े मार्वल फैंस हैं। और ये सभी एज ए फैन इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहते थे कि कैप्टन अमेरिका ने अपनी पूरी लाइफ में कुछ किया भी है या नहीं। नंबर 4, हालांकि शो में जेनिफर वॉल्टर्स की हर एक शी-हल्क ट्रांसफॉर्मेशन को सीजीआई से किया गया हो, बट शी-हल्क के साइज एंड बॉडी रेफरेंस के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट एक्ट्रेसेस मालिया एरे की मदद ली गई थी, जिनकी हाइट 6'5" से भी ज्यादा है और इनकी चाल ढाल के हिसाब से शी-हल्क की मूवमेंट्स को दिखाया गया है। और इस शो में शी-हल्क को जितनी भी डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में दिखाया गया है तो उस हर एक सेम कॉस्ट्यूम को इन्हें फिल्मिंग सेट पर भी पहनना पड़ता था, जिसके बाद ही टाइटेनिया मसलानी के चेहरे को शी-हल्क की बॉडी पर सीजीआई की मदद से रिप्लेस किया जाता था। नंबर 5, जेनिफर वॉल्टर्स एके शी-हल्क के रोल में हमें एक्ट्रेस टाइटेनिया मसलानी देखने को मिली हैं, बट ओरिजिनली इस शो के लिए इस कैरेक्टर को एक बिल्कुल डिफरेंट एक्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था, क्योंकि टाइटेनिया मसलानी से पहले शी-हल्क के रोल के लिए गिलियन जेकब्स, बैटी गिलपिन एंड जोय चाओ को भी कंसीडर किया गया था, बट ओरिजिनली इस रोल को एक्ट्रेस एलिसन ब्री को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया गया था, जो कि फॉर सम रीजन ये रोल नहीं कर पाई, जिसके बाद ये रोल प्ले किया था टाइटेनिया मसलानी ने। नंबर 6, शी-हल्क फिनाले में हमें अचानक से हल्क के बेटे स्कार को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। वेल, इस कैरेक्टर की एंट्री कैसी भी हो, बट इस छोटे से कैमियो को एक्टर वियल डसनार ने प्ले किया है, जिसमें इन्होंने स्कार के मोशन कैप्चर को परफॉर्म किया था, जिसको इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए बिल्कुल ही न्यू एक्सपीरियंस बताया था। और साथ ही पहले स्कार की वाली बिल्कुल ही डिफरेंट लुक होने वाली थी, जिसको इस शो के स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट जेरेमी सिम्सर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। तो आपको इन दोनों में स्कार की कौन सी लुक ज्यादा बढ़िया लगी, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 7, शो क्रिएटर्स जैसिका गाओ ने खुद ही बताया था कि शी-हल्क सीरीज का जो फर्स्ट एपिसोड था तो वो पहले इसका 8th एपिसोड होने वाला था, जिसको एज ए फिनाले दिखाया जाता। और पायलट एपिसोड की शुरुआत डायरेक्ट जेनिफर की फर्स्ट हल्क ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होती, इसके बाद उसकी लाइफ को ऐसे ही दिखाते हुए उसकी ओरिजिन को एंड में एक्सप्लोर किया जाता। बट सेकंड एपिसोड के बहुत ही छोटा होने की वजह शो क्रिएटर्स को फाइनल एपिसोड को फर्स्ट एपिसोड के तौर पर दिखाना पड़ा। नंबर 8, वेल, शी-हल्क सीरीज की बात उसकी स्टोकिंग के बिना तो हो ही नहीं सकती, जिसको खुद एक्ट्रेस टाइटेनिया मसलानी ने मोशन कैप्चर सूट पहनकर परफॉर्म किया था। एंड एक्चुअल में टाइटेनिया मसलानी मैगन दी स्टेलिन की बहुत ही बड़ी फैन है, और इनके साथ ये सीन परफॉर्म करना मसलानी के लिए किसी ड्रीम से कम नहीं था। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने स्टोर्क सीन को बहुत देर तक परफॉर्म किया था, जिसमें से मार्वल ने थोड़ी सी फुटेज को दिखाया है। नंबर 9, वेल, शी-हल्क के फिनाले में हमें केविन के नाम की एक एआई भी देखने को मिली थी, जिसका पूरा नाम नॉलेज इंचेस्ट विजुअल इंटरकनेक्टिविटी नेक्सस होता है, जो कि ओबियसली एक नोट था मार्वल प्रेजिडेंट केविन फाइगी को। एंड ओरिजिनली केविन फाइगी को इस एआई को आवाज देने के लिए कहा गया था, जो कि इन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद केविन को आवाज दी थी वॉइस आर्टिस्ट ब्रायन डेलानी ने। एंड इस शो में दिखाई गई केविन किस डिजाइन से पहले इसके कई डिफरेंट डिजाइन भी तैयार किए गए थे, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जिनमें एक कॉमन चीज थी केविन फाइगी की हैट, जो कि आपको हर एक डिजाइन में देखने को मिलेगी। नंबर 10, द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के बाद मार्वल ने हल्क से रिलेटेड ये पहला सोलो प्रोजेक्ट रिलीज किया है, वो भी शी-हल्क के नाम से। और फैंस की डिमांड रहती कि मार्वल मार्क रफलो के हल्क को लेकर एक सोलो मूवी क्यों नहीं बनाता। वेल, तो उसका रीजन ये है कि हल्क के कैरेक्टर राइट्स अभी भी यूनिवर्सल स्टूडियोज के पास है, और अगर मार्वल हल्क को लेकर कोई भी सोलो मूवी बनाएगा तो उन्हें उसका प्रॉफिट यूनिवर्सल के साथ भी शेयर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें अब तक मार्क रफलो वाले हल्क की एक भी सोलो मूवी देखने को नहीं मिली। और शायद ऐसा ही शी-हल्क के साथ भी किया जाए, जिसके बाद इस कैरेक्टर को दूसरे मार्वल कैरेक्टर्स की
की मूवीज में ही फीचर किया जाएगा, जिसे खुद केविन फाइगी ने भी कंफर्म किया है। तो ये थे शी-हल्क अटॉर्नी एट लॉ सीरीज से जुड़े टॉप 10 इनक्रेडिबल शॉकिंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। और इस वीडियो कौन सा पार्ट आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस।